नमस्कार दोस्तों, बाहुबली प्रभास ने अपनी आने वाली फिल्म यानी कि साहो का मुंबई शेड्यूल कर लिया पूरा। बाहुबली से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो की मुंबई में शेड्यूल की शूटिंग प्रभास ने पूरी कर ली है। अब ये फिल्म साहो विश्व स्तरीय एक्शन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। प्रभास और श्रद्धा के बर्थडे पर रिलीज हुआ साहो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने दर्शकों को खास उत्साहित कर दिया है। साहो विश्व स्तरीय एक्शन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है, जिसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके एक्शन स्टंट्स को बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर पर शूट किया गया है, जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा बजट लगा है। फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस के लिए निर्माताओं ने हॉलीवुड के 50 सदस्यों के क्रू को शामिल किया है, जिससे ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा एक्शन सीक्वेंस बन गया है। इसके अलावा बड़े बजट पर बन रही इस सबसे ज्यादा उल्लेखनीय एक्शन फिल्मों में से एक बन गई है साहो फिल्म। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट जितना है, इसकी कमाई उतनी ही ज्यादा, उतनी ही करोड़ों में होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि साहो के जो एक्शन सीन्स होने वाले हैं, उनको देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। पहले प्रोमो में चंद सेकंड की एंट्री और दूसरों में उनके एक शब्द के डायलॉग यानी कि बूम के साथ दर्शकों के दिलों को जीते हुए प्रभास ने एक उच्च तकनीक से लेस एक्शन थ्रिलर देखने के लिए फिल्म प्रेमियों के बीच में बहुत ही ज्यादा एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। गुलशन कुमार की टी सीरीज और भूषण कुमार और यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत साहो सुजीत द्वारा निर्देशित है और वामसी प्रमोद और विक्रम द्वारा निर्मित है। श्रद्धा कपूर और प्रभास अभिनीत फिल्म 15 अगस्त 2019 में रिलीज होने के लिए तैयार है। बता दें कि ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें कि प्रभास बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश पुलिसमैन के रोल में नजर आने वाले हैं। बाहुबली के बाद प्रभास की इस फिल्म को उनके फैंस को बेसब्री से वेट है। खबरों के अनुसार माने तो प्रभास की आने वाली फिल्म साहो में दर्शकों को बाहुबली की याद आने वाली है। खबर ये है कि इस फिल्म में प्रभास का किरदार बदला लेने के लिए पुनर्जन्म के दौर से गुजरेगा। हालांकि ये सिर्फ अभी अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। लेकिन साहो को लेकर जो फैंस के मन में जो एक्साइटमेंट है, लोगों के बीच में जो उत्साह है, वो सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि लास्ट मूवी हमने प्रभास की देखी थी, वो थी बाहुबली, जिसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया था, जिसने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी। और अब बाहुबली की यानी कि बाहुबली प्रभास की जो भी मूवी आएगी, उससे हमारी आशाएं और उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी। अगर आप भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।